बिग गोल्डन वॉइस सीजन 6 के ग्रैंड फिनाले के मौके पर सोनू निगम ने विनर का नाम अनाउंस किया। दिवानी तो अच्छा गाती है मोनाली, आप वाकई में बहुत अच्छा गाती हैं, सो आई थिंक नो डाउट आज की जो ये जो पूरा हमने सब देखा है उसमें सर्वश्रेष्ठ गायक या गायिका में से एक ही नाम आता है मेरे दिमाग में, वो है आपका मोनाली। वहीं सोनू निगम ने यह भी बताया कि रियलिटी शो से सिंगर्स अपने लेवल पर फेमस हो रहे हैं और रियलिटी शोज होना क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोगों को गाने अपनी आवाज़ को सुनाने का मौका मिल रहा है और क्या होता है कि हर जनरेशन एक अपने से पहले की जनरेशन से मुतासिर होती है, उससे इंस्पायर्ड होती है, तो हम जहाँ कुछ छोड़ते हैं हमारी अगली जनरेशन उसको वहाँ से आगे लेके जाती है, ऐसे होता है अगर वो मेहनत करने वाली हो तो। सो प्लेटफॉर्म्स का ज़्यादा होना बहुत अच्छी बात है, लोग जितना नए सिंगर्स को मौका मिले, और क्या ये भी इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे आप लोग कोई कैमरामैन है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई लिखता है, कोई एक्टर है, कोई सब चाहते हैं कि उनको काम मिले, रोज़गार मिले, सब चाहते हैं कि उनको कौन घर में बैठना चाहेगा। तो जितने प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं लोग जानते हैं पहचानते हैं, फिर वो अपने मोहल्ले में अगर वो नंबर वन भी नहीं होते तो कम से कम अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने सिटी में, अपने शहर में, अपने स्टेट में फेमस हो जाते हैं, फिर कुछ शोज़ मिलते हैं, उनका रोज़गार चलता है, उनकी फैमिली चलती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है हार्ड वर्क करने का, तो ये बड़ी अच्छी बात है। उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि इतने सिंगर्स आ चुके हैं कि किसी भी एक को पूरा ग्रो करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अब बहुत सारे सिंगर्स कंपोजर्स जो हैं वो कई सिंगर्स को एक साथ गवाते हैं, 8-9 सिंगर्स को, 12 सिंगर्स को एक गाना गवाते हैं, तो उस वजह से सिंगर्स का पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि वो यू नो श्रेय घोषाल के तरीके से या सुनिधि चौहान के तरीके से फेमस हो जाए, बड़ा हो जाए, इसके पहले कि वो फेमस होते हैं वो नीचे जाते हैं या उनको मौका नहीं मिल पाता। सो ये भी बात है, बट आई सी मैंने कहा ना हर बात का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जिसमें दम होता है वो आगे निकल जाता है, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। हाँ, बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज़ के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।